देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है। अगर एक बार योगी ने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। ये योगी राज है, पहले आदेश आएगा, जो माना तो ठीक, नहीं माना तो कानून का डंडा चलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ का सरकार चलाने का यही फंडा है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही सीए दंगे के दौरान चौराहे पर आरोपियों के पोस्टर लगवाकर बता दिया था कि उनकी सरकार को दंगाइयों और अराजक तत्वों से निपटना अच्छी तरह आता है। मुद्दा चाहे अवैध बूचड़खाने बंद करने का हो, शहीदों पर लगाम लगाने का हो या गौ हत्या पर रोक लगाना, योगी सरकार इसी सख्ती से इन मुद्दों से निपटती है। जो मानता है ठीक, नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानून का डंडा चलता है। ये सरकार की इसी सख्ती का असर है कि अगर योगी की ओर से कोई आदेश आता है तो उस पर बिना इफ बट के तुरंत अमल किया जाता है। अब ताजा मुद्दा मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में जब से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। क्योंकि एक तरफ उसे मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय की नाराजगी का। लेकिन उसी लाउडस्पीकर मुद्दे को जितने बेहतरीन ढंग से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निपटाया है, उससे तमाम सरकारों को सीखना चाहिए। उन्होंने बस एक आदेश दिया, धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ तय स्थान पर ही हो, सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो, अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, माइक का उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए और बाकी लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दे। योगी के इस आदेश का विरोध न तो किसी मुस्लिम समुदाय ने किया और न ही किसी हिंदू समुदाय ने, क्योंकि खुद सीएम योगी जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, सबसे पहले उसी गोरखनाथ मंदिर में अपने आदेश को लागू करवाया और मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई, जिससे परिसर के बाहर आवाज न जा सके। जब योगी ने खुद पहल की तो फिर यूपी की तमाम मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर उतरने लगे। कन्हैया की जन्मस्थली मथुरा में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह से भी लाउडस्पीकर उतरने लगे। इस मस्जिद से 3 लाउडस्पीकर हटाए गए और सिर्फ 1 लाउडस्पीकर लगा है, उसकी आवाज भी इतनी रखी जाएगी कि मस्जिद से बाहर न जाए, जिससे लोगों को परेशानी है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ ईदगाह में हजार 1.5 मिनट होती है, एहतियात के तौर पर पहले से भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे उसके अनुसार ही कम ध्वनि में बजाया जाता है। लेकिन फिर भी हमने 2-3 स्पीकर उतारा दिए हैं, 1 स्पीकर मात्र परिसर के लिए, वो भी कम ध्वनि का, वो उसमें जैसे अंदर इधर बजेगा। आज है या नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए। मैंने खुद शहर में ये देखा है 1-2 जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज न करे, किसी को बुरा न लगे। और फिर धर्म ही किस बात का रहा, अगर आपका धर्म दूसरे को बुरा लगा, आपका धर्म दूसरे को बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए, उसको सुख शांति मिलनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में सुख शांति अमन चैन बना रहे। चलिए, धन्यवाद। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मथुरा के कृष्ण मंदिर से भी लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। अब भजन की आवाज सिर्फ मंदिर परिसर तक ही सीमित रहती है। जो मथुरा में हुआ वही पूरे यूपी में हो रहा है, मतलब योगी ने जो आदेश दिया उसका पालन मौलाना और पुजारी दोनों समान रूप से कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा। लेकिन यही मांग जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार से की तो किस कदर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, ये आप भी देख ही रहे हैं। उद्धव सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश देने से ही कतरा रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर के चक्कर में कांग्रेस और एनसीपी नाराज ना हो जाए और शिवसेना से समर्थन वापस ले ले, जिससे उद्धव की कुर्सी भी चली जाएगी।
लेकिन वहीं यूपी की बात करें तो यहां के बारे में कहा जाता है कि अगर सीएम योगी ने कोई आदेश दे दिया तो उसका पालन कराने के लिए सरकारी अफसर पूरी जी जान से जुट जाते हैं, और यही लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी हो रहा है।